सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेरी है वो है जॉब सेटलमेंट के रिगार्डिंग, कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी तो आती है लेकिन एक प्रकार का जिस चीज़ के काबिल और लायक है वो चीज़ मिल नहीं पाता है। और यहाँ पर इसके साफ साफ इंडिकेशन भी है कि आपको जॉब के रिगार्डिंग ट्रबल भी रहने वाला है, क्योंकि आपका शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शनि सूर्य के विषय में आपको चर्चा रखने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग यहाँ पर आपका किया जाएगा। शनि आपका भाग्य का कारक है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसका जो फाइनल रिजल्ट निकलता है, या जो एक प्रकार से डेस्टिनी हमसे चाह रही होती है, या जो हमको किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो डिसाइड करता है सैटर्न। इसीलिए ये कारक होता है आपके लक का, मनी का, ग्रोथ का, वेल्थ का। सूर्य हमारा कारक होता है सक्सेस का। हम जो भी काम करते हैं उसके द्वारा जो भी हमको नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत या समाज में जो भी रेपुटेशन या एक प्रकार से स्टेटस बनता है, वो सब का जिम्मेदार सूर्य होता है। यही रीज़न है कि व्यक्ति को जज उसके काम के द्वारा किया जाता है, मीन्स उसके जॉब या प्रोफेशन के द्वारा। तो उसके लिए जो कारक तत्व है वो है यहाँ पर सूर्य। तो यहाँ सूर्य सबसे मेन कारक हो जाता है जॉब, आपके करियर, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट, नेम, फेम एंड ऑल्सो मनी। तो यहाँ क्या हो गया है कि ये दोनों के दोनों जो पर्वत हैं एक दूसरे से मिक्स किस बिहाफ पे हो गया, सपोर्टिव हार्ट लाइंस के द्वारा। ये जितनी भी रेखा आप देख पा रहे हैं, आड़ी रेखा, ये सहयोगी हृदय रेखा है, जिसका काम है मूड स्विंग का प्रॉब्लम देना। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति का मूड कब किस तरफ डाइवर्ट हो जाए, कब क्या डिसीजन ले ले, कौन सी बात बुरी एकदम लग जाए या कौन सी बात अच्छी लग जाए, रहते रहते सीरियस हो जाना, रहते रहते हंस देना, रहते रहते इमोशनल हो जाना, कभी भीड़ में एंजॉय करना तो कभी एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सब प्रकार के योग इस प्रकार की सपोर्टिव हार्टलाइन देती है। क्योंकि हार्टलाइन का मेन काम है इमोशंस को सेटल करना। इमोशन, फीलिंग जो भी व्यक्ति के अंदर चल रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है हार्टलाइन। और वहीं जब इतनी सारी सपोर्टिव हार्टलाइन आ जाए तो इसका काम है काम को बिगाड़ना। इसीलिए काम बनते बनते बिगड़ता है, मुँह के पास निवाला आते आते रुक जाता है। एक्सपेक्टेशन पे कभी कोई खड़ा नहीं होता, या फिर जिस भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन किया जाए वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। मेरे इन सब बातों को बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा धर्म है आपको सबसे पहले समझाना, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी मैं आपको सजेशन या रेमेडी दे सकूँ तो आप उस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो अपने लाइफ में कर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सैटर्न है, यह कारक है आपका भाग्य का। जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब आपके अलग अलग भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इनके ऊपर कोई भी रेखा काट के जाती है, यानी वो भाग्य होते हुए भी उस भाग्य का सहयोग नहीं है। अब आप अपने लाइफ में देखेंगे, आपकी लाइफ में तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, किसी भी एक चीज़ में कमी नहीं रहेगा। जो भी एक नॉर्मल लाइफ के लिए चाहिए रहता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी नीड्स होती है, वो सब फुलफिल होगी, लेकिन आपको इंटरनल पीस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शनि आपके मन का काम करने ही नहीं दे रहा है। जीवन में सब सुख दे रहा है, लेकिन जो मन चाह रहा है या जिन सारे कार्यों में हम मेहनत या एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसका रिजल्ट ही प्रोमिनेंट तरीके से नहीं आ रहा है। इसी कंडीशन के अंतर्गत ये व्यक्ति को चिंतित स्वभाव देता है, हर काम में दो बार मेहनत करवा करके काम बनवाता है, रिश्तों नातों में भी थोड़े अनबन तनाव दे देने वाला रहता है, और जब जब एक्सपेक्टेशन लगाते हैं तो फुलफिल उस कंडीशन में हो भी नहीं पाता है। तो यहाँ पर ये क्या डिनोट कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पौराणिक हस्तरेखा में क्लियर कट इस बात का वर्णन है, और अभी तक भी मैंने भी जितना भी देखा है कि जिन लोगों के हाथ में शनि या सूर्य, आपके सूर्य पर भी यहाँ पर क्रॉसेस के साइंस हैं, यहाँ देख सकते बहुत बारीकी से छोटे छोटे से हैं यहाँ पर, तो ये जो क्रॉसेस के साइन हुए या फिर आड़ी रेखाएं हुई, ये पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है। पेंडिंग कर्मास वो होती हैं जिसमें पिछले जन्म से हम जो कर्म किए रहते हैं उसका भुगतान करने हमको एक और जन्म मिलता है। इसीलिए तमाम तरह की सुख सुविधा तो मिली, लेकिन करियर वाइज प्रॉपर सेटलमेंट नहीं मिल पाने के कारण उस प्रकार का इज्जत तवज्जो या समाज में स्टेटस अभी भी क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, खास करके जब सूर्य के ऊपर क्रॉस हो या इस प्रकार की आड़ी रेखा हो, तो जितना भी मेहनत करते कभी कोई क्रेडिट नहीं मिल पाता है। आपसे कम किया हुआ मेहनत वाला व्यक्ति आपसे सही पोजिशन में आपके सामने खड़ा हो जाएगा, और आप संदेह भी करेंगे कि ये किसी काबिल भी नहीं थे, इनको इतना हो गया, मैं तो तब भी इतना हूँ। ये सब देखने को बहुत मिलता है जीवन में। साथ ही कभी किसी काम का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। अगर अच्छा भी काम हो गया तो वो क्रेडिट कोई और ही ले जाएगा, या फिर जो सराहना मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यह है कि ये सूर्य कारक है पिता का, तो पिता से रिश्तों में थोड़ा अनबन, मतभेद, तनाव
ये वैचारिक मतभेद अवश्य देखने को मिलता है। और ये कारक है आपके जॉब का, तो जॉब में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी या कलीग से ट्रबल, ये सब होता है। तो ये कब तक रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक आप इसका रेमेडी ना कर दें। तो इसका जो रेमेडी है वो आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। ये जैसे ही आपका सेटल डाउन हुआ, उसके जस्ट बाद में कंटिन्यूस आपके जीवन में ग्रोथ है, क्योंकि आपके पाम में, तो जो यहाँ पर जुपिटर है वो कारक होता है ब्लेसिंग्स का। तो जब जुपिटर की स्थिति हथेली में या कुंडली में थोड़ी बहुत भी ठीक देखने को मिलती है, तो बड़े से बड़ा ऋण, शत्रु या किसी भी प्रकार का दोष को जो है कंट्रोल किया जा सकता है या इससे उबर कर बाहर निकला जा सकता है। तो इसीलिए चिंतित होने वाली बात नहीं है। जुपिटर यहाँ पर कारक होता है ज्योतिष, जिसे हम कहते हैं हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे गुरु जो होते हैं, जो हमको डायरेक्शन देते हैं, उसका कारक होता है जुपिटर। इसीलिए जब जुपिटर अच्छा हो तो गाइड, एडवाइस, सजेशन या प्रोटेक्ट करने वाले लाइफ में अच्छे देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि जीवन में चाहे किसी भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, आपके जीवन में कोई ना कोई बैकबोन आपका बना रहेगा, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो या कोई बाहरी सदस्य हो। इसीलिए आपके काम बिगड़ते बिगड़ते हुए भी अंततः जरूर बनेंगे, इसीलिए जीवन में सुधार होने का योग आपके हथेली में है। तो इसलिए चिंतित होने वाली बात इस कंडीशन में ज़्यादा है नहीं। अभी यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी व हड़बड़ी को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में पेशेंस लेवल कम होता है, क्योंकि किसी, इसीलिए जिस भी बात से आप इन्फ्लुएंस, मोटिवेटेड या एक प्रकार से इंस्पायर्ड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाएंगे। इसके अलावा शॉर्ट फिंगर वाले जातक कभी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक ही काम करना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में आप सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। और इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन करने लगना, और ये नेचर होने के कारण ही कई मरतबा जल्दबाजी में थोड़ा गलत निर्णय लेते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए पेशेंस अपने अंदर रखना, और कोई भी डिसीजन या प्लानिंग करते समय थोड़ी दूरदर्शिता रख करके, प्रॉपर एनालाइज करके अगर काम करते हैं, तो हर काम में एक प्रकार का परफेक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहता है, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने वाले होते हैं। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो लिटिल फिंगर का झुकाव आपके थर्ड फिंगर की तरफ है, इस कारण से फैमिली कनेक्शन अच्छा रहता है, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड भी देखने को मिलते हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर स्ट्रांग है, इस कंडीशन में ये रिस्क टेकर बनाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अत्यधिक काम खुद के दम पर करना, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी होना, इसके अलावा कोई भी नया काम करने से कभी पीछे नहीं हटना, साथ ही ये अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी आपके अंदर कलात्मक गतिविधि है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो नेम रिस्पेक्ट के चांसेस लाइफ में आपके बढ़ेंगे। वहीं जो फर्स्ट फिंगर है उसका झुकाव आपके सैटर्न की तरफ है, जिसके कारण ये अध्यात्म में रुचि को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ, विद्या हैं, इन सबके प्रति रुचि रहेगा, धार्मिक भी रहेंगे, दानवीर भी यहाँ पर रहेंगे, और ये थोड़ा सा एक प्रकार का अकेलेपन को भी रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब फर्स्ट और सेकंड फिंगर मर्ज हो जाते हैं, तो ऐसे जातक जैसे अध्यात्म में जा रहे होते, तो इनको थोड़ा अकेला स्वभाव में जो है देखने को मिलते हैं। अकेला स्वभाव का मतलब ये होता है कि दिन भर में खुद को समय देना, थोड़ी वैरागी की भावना आना, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय स्वभाव हो जाना, खुद के अकेले में जो है अच्छे से काम कर पाना, इस प्रकार के योग भी बनते हैं। हल्के हल्के से जो ये गैप है, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। भले ही गैप ये शॉर्ट है, लेकिन तब भी पैसा हथेली से बहुत जल्दी फिसलता है, रुक नहीं पाता है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव तो दर्शा रही है, लेकिन छोटी छोटी आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो एक किसी न किसी कारणवश रिश्तों में होने वाले अनबन मतभेद को दर्शाता है। आपके रिश्ते नाते भी आपके मूड स्विंग के कारण ही ट्रबल में आते हैं, क्योंकि कौन सी बात आपको बुरी लग जाए, या किस बात से आप प्रभावित हो जाए, या कौन सी बात से सामने वाला प्रभावित हो जाए, ये जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल देखने को मिलता है। इसीलिए रिश्ते नाते इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। फैमिली रिलेशन ठीक रहेगा, बाकी बाहरी रिलेशन में थोड़ा दिक्कत आपको आएगा ही। फिंगर के जो नोट्स हैं वो इतना क्लियर कट डेवलप्ड यहाँ पर नहीं है, जिस कारण से ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग टाइप ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में डिसीजन प्रॉपरली ले नहीं पाते, किसी न किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता निर्णय लेने में पड़ती ही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फैलेंजेस है ये डेवलप ठीक है, और आपका इंटरनल मार्स की स्थिति कुल मिलाकर के नॉर्मल है। आपको अपने फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना या एनर्जी ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व अच्छा हो सके।
थंब यहाँ पर आपका लॉन्ग है। लॉन्ग थंब वाले जातकों के पास मेमोरी बहुत स्ट्रांग होता है। यही रीज़न है कि छोटे से छोटी पुरानी से पुरानी बातें भी आपको क्लियर कट याद रहेगी। कोई भी चीज़ आप जल्दी सीख वो समझ पाने में यहाँ सक्षम रहेंगे। पीछे की ओर बेंड होने के कारण ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर एटीट्यूड पर्सनैलिटी देगा, जिसके कारण हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेना, हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वैसे योग इस कंडीशन में बनते हैं। लविंग केयरिंग नेचर होता है, लेकिन ये जो केयर या लव है ये ज़्यादा शो नहीं कर पाते आप जैसे ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा हिडन टाइप ऑफ नेचर आपका सैटर्न माउंट यहाँ पर दे रहा है। अब इस पे और भी बात करेंगे तो आएंगे डिटेल में। बाकी थंब यहाँ पर सशक्त मजबूत है, तो थोड़ा हठी किस्म का नेचर भी देगा, अड़ियल भी देगा। एक बार जो चीज़ ठान लिया है तकरीबन उसको हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, तो इस कारण से लॉजिकल पावर या विल पावर दोनों स्ट्रांग रहेगा। जो भी ठानेंगे वो चीज़ हासिल करके ही दिखाने वाले रहेंगे। और यहाँ पर आपको यव का चिन्ह भी है, यव का चिन्ह धार्मिक भी बनाता है, सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग देता है। इसका मतलब ये होता है कि पूर्वानुमान लगना, आभास लगना, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देखना, जब ऐसी कुछ परिस्थितियां जीवन में चल रही होती है तब जाके ध्यान आता है कि ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है। इसके अलावा मुंह से ऐसी बात निकलना जो सच में बैठ जाए, किसी को चेतावनी दे रहे हैं सामने वाला अगर उसको नहीं मानता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होना जो कि आपकी बात को सत्य कर दे, वैसे योग इस कंडीशन में बनते हैं। इन सारी चीज़ों में और सुधार या और निखार तब देखने को मिलता है जब आप धार्मिक रहें, पूजा पाठ करते रहें या मेडिटेशन करें, तो इससे डिसीजन टेकिंग स्किल इम्प्रूव होती है, पीसफुलनेस हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है, और इंट्यूशन के साथ साथ ग्रेसिपिंग स्किल सोचने समझने की सक्षमता और निर्णय लेने व सीखने की सक्षमता में भी विकास होता हुआ देखने को मिलता है। पाम का साइज़ यहाँ पर आप देखेंगे तो पाम का साइज़ आपका लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। मेहनत में भी हालांकि आपकी कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि शनि एकदम स्ट्रेट है तो न्यायप्रिय किस्म का भी व्यक्तित्व होता है। बाकी इससे देखा जाए तो जीवन के एक प्रकार से प्रति बड़ी बड़ी सोच या अप्रोच आपकी देखने को यहाँ पर मिलेगी। जुपिटर से स्टार्ट करते हो तो जैसा कहा गया कि आपका जुपिटर अच्छा है, तो जुपिटर जब वेल सेटल्ड या एक प्रकार से डेवलप्ड अच्छा देखने को मिलता है तो ये सबसे पहले नॉलेज अच्छा देता है, टीचर बनाता है, लीडर बनाता है, दूसरों को गाइड एडवाइस वो सजेशन अच्छे से दे पाने में सक्षम होते हैं। साथ ही तमाम तरह के जो बेसिक नीड्स हुआ या सुख सुविधा हुआ वो जीवन में देखने को मिलता है। मैरिड लाइफ आपकी ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहेगी एज़ कम्पेयर टू योर फैमिली लाइफ, क्योंकि जुपिटर सबसे पहले यहाँ पर मैरिड लाइफ व बच्चों को डिनोट करता है, देन आफ्टर आपके प्रोफेशन, ज्ञान और तमाम तरह की चीज़ों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके वाइफ रहेंगे बहुत ज़्यादा ही केयरिंग, लविंग, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लक्की आपके लिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ छोटे छोटे आपके स्क्वायर के साइन बनने लग रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर के साइन यहाँ पर होते हैं ये सब के सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं, जो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इन दोनों चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन या बढ़ाने वाला रहता है मैरिज के बाद में। तो ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया यहाँ देखने को मिला। इसके अलावा कुछ हल्की हल्की सी आपको रेखा दिखेगी प्रोग्रेस लाइन के रूप में, तो ये सारी की सारी रेखाएँ एम्बिशियस नेचर देती है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच और जुनूनियत देखने को मिलता है। जुनूनियत का मतलब वो होता है कि कंटिन्यूस अपने एफर्ट्स डालते रहना और कंटिन्यूस लाइफ में और ज़्यादा ग्रोथ, सक्सेस या रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, इन यानी कहीं ना कहीं खाली बैठना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ वर्क करना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में रहता है। यहाँ पर जो आड़ी रेखाएं देख पा रहे हैं ये दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, दूसरों का दुख दर्द समझ पाना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना इस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो ऐसे देखा जाए तो जुपिटर की स्थिति अपने आप में कुल मिलाकर के ठीक रिस्पॉन्स यहाँ पर कर रही है। जब भी गुरु से शनि की तरफ रेखाएं जाती हैं तो बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, तो जो भी शौक अरमान है वो बच्चों के द्वारा भी या लक भी शादी के बाद जो है बढ़ता हुआ इसलिए भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक प्रकार से बच्चों की उत्पत्ति उसके बाद में जीवन में आने वाली रहती है। शनि पर एक प्रकार की जब आड़ी रेखा होती है तो इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आप दूसरों की केयर बहुत करते हैं लेकिन कभी दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो शो ऑफ करना आपको कहीं ना कहीं आता नहीं है, और थोड़ा हिडन टाइप का नेचर होने के कारण ही अपने दुख दर्द इन सारी चीज़ों को दूसरों से हाइड कर लेते, कभी अपनी पूरी बात किसी को नहीं बताते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि डीप थिंकर होते हैं, एक प्रकार से हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति या कुछ ना कुछ सोचने विचारने की प्रवृत्ति होती है। इसमें तीसरी बात ये देखने को मिलता है कि अधिकतर अपना काम खुद के द्वारा करते हैं, इसीलिए बहुत दफ़ा फेलियर भी देखने को मिलता है, लेकिन ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो ये सब आपके पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने का एक प्रकार का योग है। तो यहाँ पर
जो भी कुछ होता आया अब उस विषय में ज़्यादा चर्चा करने से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ओवर थिंकिंग या डीप थिंकिंग के कारण ये चिंतात्मक स्वभाव बहुत देता है, जिसके कारण तिल का तार करना, राई का पहाड़ करना, छोटी छोटी बातों से अफेक्टेड हो जाना, ये सब देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए पर्सनली सही नहीं है। तो थोड़ा सा बातों को इग्नोर, नेग्लेक्ट, परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली एडजस्ट अगर करते हैं तो ये आपके एक प्रकार से लक को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा। कूल काम रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन में। इन सभी रेखाओं के द्वारा कुछ साइंस क्रिएट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रकार का विंडो साइन ये बना हुआ है और यहाँ स्क्वायर का साइन भी बना हुआ है। ये सब प्रोटेक्शन के साइन होते हैं, चाहे कितना भी कष्ट परेशानी क्यों ना हो ये साइन दुर्घटना से बचाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट वगैरह या जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा ये कमी आपको नहीं देगा। सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल रहेगी, बस आत्मीय संतुष्टि मिल पाने में आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी। सूर्य के ऊपर बात करें खासकर तो देखिए सूर्य का क्षेत्र विकसित ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल ये ठीक दे रहा है यहाँ पर। यहाँ सूर्य रेखा क्या हो रहा है कि वी सिंबल के साथ, हल्की सा वी सिंबल है यहाँ पर, और सूर्य रेखा एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे से चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड, ऑनेस्ट और लॉयल जैसे देखने को मिले हार्ट लाइन के द्वारा, यहाँ पर अभी उस पर भी आएंगे। तो यहाँ ये जो सूर्य रेखा है ये ऑनेस्टी को, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, अपने कार्य को आप कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं उस चीज़ को दर्शाता है। तो आप अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपके अंदर खूबियाँ भी बहुत अच्छी हैं, जो कि हाई पोस्ट अथॉरिटी पर जाने के योगों का दर्शाती है। और उसी का जो कंपैरिजन में देखें तो एक और सन लाइन जो है वो सपोर्ट में आई है, जो एक से ज़्यादा काबिलियत को आपके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बस दिक्कत यही है कि ये पेंडिंग कर्मास के कारण ये सारी की सारी रेखाएं कटी हुई हैं, तो आप जिस चीज़ के लायक हैं उसके, जिस चीज़ के हकदार है, वो चीज़ आपके पास कहीं ना कहीं नहीं आ पाती है। इसीलिए चिंतित होने वाली बात नहीं है, अपने फोकस को ऐसे ही अच्छा बनाए रखें और जो रेमेडी दिया जाएगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आपके हथेली में यशस्वी योग का चिन्ह है ये, जब वी सिंबल का साइन बुध और सूर्य के बीच में जाकर के बन रहा होता है तो इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल डिनोट करता है। तो जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना रही हो, ये जीवन में आपको सफलता निश्चित रूप से दिखाएगा। इसीलिए ये प्रॉपर्टी जागृत योगों का निर्माण करता है, तो इस कंडीशन में खुद के दम पर प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम होते हैं। बीच की जो ये रेखा देख पा रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। तो जो आपकी विद्या रहेगी वो दूसरों के काम अच्छी आएगी, इसीलिए दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन या एज अ कंसल्टेंट भी आप अच्छा साइड बाय साइड प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। जो आपका मर्करी माउंट है वह यहाँ पर सेटल्ड कुल मिलाकर के ठीक है, लेकिन एक आड़ी रेखा यहाँ पर मर्करी लाइन को काट के गई है, तो कई मरतबा आपके मुंह से कटु वचन थोड़े निकल जाते हैं, जिसके कारण सामने वाला हर्ट या थोड़ा सा रिलेशन को ये ट्रबल दे देता है। हालांकि ये सारी चीज़ें भी आपके जो है सूर्य और सैटर्न रेमेडी के द्वारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो आपकी यूनियन लाइन भी दो है, तो दो बार गहरा लगातार अटैचमेंट आपको होने वाला लाइफ में रहेगा, और वो भी तकरीबन 31 और 32 की उम्र के आसपास में ही। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है, माता पिता घर परिवार के लिए डेडिकेटेड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन डबल लाइन में चल रहा है, इमोशंस फीलिंग्स में ये फ्लक्चुएशन देता है, एक समय पे दो विचारधारा या दो भावनाएं एक साथ चल रही होती है, यही रीज़न है कि सुबह जो चीज़ अच्छा लगेगा शाम को वो चीज़ ख़राब भी लगेगा। इसके अलावा आपकी जो हृदय रेखा है यहाँ पर शनि पर आकर के बार बार रुकी है, जो प्रैक्टिकल माइंडसेट, लॉजिकल पर्सनैलिटी और हिडन टाइप ऑफ नेचर बेसिकली देता है, लेकिन यहाँ से रेखा ओवरलैप करके जो जुपिटर तक पहुँची है ये इमोशनल नेचर का बनाता है, जिसके अंतर्गत ऑनेस्ट, लॉयल नेचर देखने को मिलता है, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं और खुद का नुकसान कर लेंगे लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं होने देंगे, दूसरों की परवाह करते हुए देखने को मिलते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि इमोशनल नेचर होने के कारण दूसरों से अटैचमेंट भी जल्दी हो जाता है, साथ ही एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज़्यादा हो जाता है, और जब सामने वाला एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं होता है तो ऐसे इमोशनल सेटबैक जैसी लाइन क्रिएट होती है। हार्ट लाइन से नीचे की तरफ आने वाली इन सारी रेखा को इमोशनल सेटबैक कहा जाता है, जो दर्शाता है इमोशनली हर्ट होने के योगों को। इसीलिए कभी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, ना ही पैसा संबंधित कोई व्यवहार रखें। बात करें माइंड लाइन के विषय में तो माइंड लाइन सिस्टमेटिक आपकी चल रही है, लेकिन इसमें छोटे छोटे से जैसे ये आइलैंड है ये मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, एंजाइटी टाइप ऑफ फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में जब ये आइलैंड रहते हैं तब जीवन में भागदौड़ी बहुत होती है और डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है, जो कहीं ना कहीं कंप्लीट ना होने के कारण मेंटल प्रेशर बढ़ता है। लेकिन आपकी हथेली में सबसे अच्छी बात यही है कि माइंड लाइन स्ट्रेट है और बायफोर्क भी हो गया है अंततः, जिसके कारण सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी आपके अंदर बहुत अच्छा है। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, ये सारा नॉलेज ये बहुत अच्छा देगा।
कितनी भी तकलीफ परेशानी मेंटल प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए, कभी भी हार मानने वाले जीवन में नहीं होते हैं, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं और माइंडलाइन स्ट्रेट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस लेंगे वो एक्सपीरियंसेस आपको आगे चल करके काम आएगा डिसीजन लेने में। यही रीज़न है कि अभी तो स्ट्रेसेस लाइन या आइलैंड का फॉर्मेशन है, लेकिन आप आगे देखिए मल्टीपल आपके प्रोग्रेस लाइन आपके माइंड लाइन से कंटिन्यू बेस्ड निकल रहा है। इवन ट्रायंगल का साइन भी है, ट्रायंगल का साइन माइंड लाइन पे होता है तो ये मल्टी मिलियनेयर भी बनाता है इनोवेटिव आइडियाज़ के द्वारा या इंटेलिजेंसी के द्वारा मनी अच्छा जनरेट कर पाने में सक्षम होते हैं। तो ये सारे योग आपके पाम में अवेलेबल है। यहाँ पर भी इवन ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, लेकिन उस समय क्या है कि माइंड लाइन पूरी की पूरी स्ट्रेसफुल चल रही है, इसीलिए इतना जो है शुभ परिणाम जीवन में मिल नहीं पाया। अब आपके ये जो आइलैंड का फॉर्मेशन ये कंटिन्यू चल रहा है, पहले तो टीनेज में देखने को मिला, फिर उसके बाद 22 से 24 के मिड में, फिर उसके बाद ये तकरीबन अभी देखा जाए तो अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है 29 से 32 के बीच में, अभी का पीरियड ये है स्ट्रेस में चल रही है। इन सब का रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया जाएगा, लेकिन इन स्ट्रेसेस के बाद आप देखिए माइंड लाइन एकदम स्टेबल है और कोई भी स्ट्रेस लाइन या आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति और बहुत बड़े पद पर आप बैठने वाले रहेंगे, क्योंकि आपके हथेली में भाग्य जो रेखा है वो मून के एरिया से निकली है। मून डिनोट करता है पब्लिक को, इट मीन्स पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे लोगों के प्रोत्साहन साथ व सहयोग के कारण आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। चंद्र डिनोट करता है आपके मन को, इसलिए आप अपने मन का तकरीबन सारा काम कर पाएंगे। मदर का सपोर्ट अच्छा रहेगा, बाहरी दुनिया लोगों का जैसे सपोर्ट कहा गया उसी में जो वाइफ है वो भी बाहरी दुनिया से ही बिलोंग करते हैं, तो उनके आने के बाद भी जीवन में और ज़्यादा सुख या समृद्धि आपको बढ़ने वाला रहेगा। इसके अलावा आप जन्म स्थान से दूर सेटल्ड या ग्रोथ होने के चांसेस जो है आपके बर्थ प्लेस से दूर हैं, और ये फेट लाइन ओवरलैप करते हुए भी आगे की तरफ बढ़ रही है, यानी लक आपका साथ छोड़ नहीं रहा है। ओवरलैप करना यानी अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस होना, जॉब में चेंजेस होना, दैट्स इट। बाकी फेट लाइन की अवेलेबिलिटी यही दर्शाती है कि भाग्य तो आपका हमेशा बना ही रहेगा, बस जो अनसेटिस्फेक्शन है उस चीज़ को आपको क्लियर करना है, फिर फ्लुएंट वे में आपके तकरीबन सारे काम बनने लगेंगे। लाइफ लाइन के पैरेलल देखेंगे तो पहले जीवन इतना ज़्यादा सुखमय नहीं था, फिर उम्र तकरीबन 17 के बाद से लाइफ लाइन में ओवरलैप हुआ, जिसके कारण सुख समृद्धि और रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। फिर छोटे छोटे से प्रोग्रेस लाइन यहाँ से लाइफ लाइन से निकल रहे हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आपकी मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा, इसीलिए जिन सारे कार्यों में अपने एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों से शुभ परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। आपके जीवन में सहयोगी रेखा का उद्गम उम्र तकरीबन 32 से हो रहा है, और पहले जो प्रोग्रेस लाइन निकली थी वो निकली थी 23 और 24 के एज के बीच में, अब आने वाले समय में 34 में, 35 में, 38 में, 39 और 42 के एज के बीच में फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जो 42 के लमसम में प्रॉपर्टी होने के योगों को दर्शाता है, फिर एक और ट्रायंगल है जो इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहा है, फिर और प्रोग्रेस लाइन यानी मर्करी लाइन भी निकल रही है जो स्वास्थ्य सुधारक रेखा है और ज़्यादा जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा रहा है। ये शुक्र से कनेक्टेड होकर जो भाग्य रेखा निकल रही है ये वाइफ के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के कुछ अच्छा डिसीजन लेने के कारण होने वाले ग्रोथ को दर्शा रहा है। इन सपोर्टिव लाइन को गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा आती है तो जीवन में किसी न किसी का सहयोग अच्छा मिलने लगता है, जिसके कारण दुख दर्द खत्म होने लगता है और जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होने लगता है, इसीलिए इसे प्रोटेक्शन लाइन देवदूत रेखा कहते हैं, जो 32 और 33 के एज से जनरेट हो रहा है। उसी के दौरान में मल्टीपल आड़ी रेखा भी काट के जा रही है, लेकिन इन सारी रेखाओं का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। लास्ट वन जो रेखा ये काट के गई है ये उम्र 30 में काट के जा रहा है, जो अभी आपके लाइफ में है। टेंशन दे रहा है मंगल आपको करियर के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, स्टेबिलिटी सेटलमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन इसके जस्ट बाद में प्रोग्रेस लाइन निकल रही है तो अभी जस्ट आपको विद इन अ ईयर सक्सेस देखने को बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो भी फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को सुधारने के लिए, और बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होने वाली है आपकी, और इंटरनल मार्स इवन आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग फिजिकल स्ट्रांग दोनों रहने के योग हैं। एग्रेशन में जो आप फटाफट डिसीजन लेते हैं उसके द्वारा जो नुकसान होता है तब जाके ये रेखा आती है आउटर मार्स पे आड़ी रेखा, तो इसीलिए यही सजेशन दिया जाता है कि एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन जैसी चीज़ों से दूर रहें। शुक्र डेवलप ठीक है जो लग्जरियस लाइफ का कारक होता है, लेकिन बस दिक्कत यही है कि ये बहुत ज़्यादा आड़ी रेखाओं के साथ चल रहा है जो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा जो स्ट्रेस बर्डन एनजाइटी और अननेसेसरी वरीज आती है उसको यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए आपको पीसफुलनेस अपने लाइफ में होने के लिए धार्मिक रहना की ज़्यादा आवश्यकता है, और ये सारी चीज़ें डिजॉल्व जस्ट हो जाएंगी जैसे ही आप बातों को हल्के में लेना
और नेगेटिव थिंकिंग करना बंद करेंगे। सीधी खड़ी रेखा ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज लाइफ में अच्छी देती है राइज या ग्रोथ करने के लिए। और केतु के ऊपर देखेंगे तो डिवाइडेशन है जो ट्रैवलिंग के लिए, गुड हेल्थ के लिए, लंबी आयु के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ का ट्रायंगल का साइन व्यक्ति को खुद से बात करने की आदत भी देता है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा जो है फिश सिंबल क्या करती है, जो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी डेफिनेटली दिलवाने के योगों को दर्शा रहा है। चंद्र की स्थिति वैसे देखा जाए तो सामान्य है और यहाँ पर मरकरी लाइन बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में पैसा आता तो अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है। चंद्र की इस प्रकार की स्थिति विदेश यात्रा का सूचक होती है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिलहाल आपके स्क्वायर के साइन डेवलप्ड होने लग रहे हैं, तो ये स्क्वायर के साइन प्योरली डेवलप्ड नहीं है लेकिन जब ये डेवलप्ड होने लगेंगे यहाँ पर, तब ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करवाने वाला रहेगा। यहाँ देखा जाए लेफ्ट पाम में आपके, तो लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर फेट लाइन है ये कुल मिलाकर के सिस्टमेटिक वे से चल रहा है और राहु से एकदम से रेखा स्टार्ट हुई जो लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। तो जीवन में जो भी ग्रोथ या सक्सेस अचीवमेंट है वो सबके सब आपके तकरीबन 32 के एज से मिलना प्रारंभ है, क्योंकि उस समय से सपोर्टिव लाइन चलने लग रही है। बाकी एक सिंगल चीज़ की कमी आपके पाम में ऐसी है नहीं। सैटर्न पर देख सकते हैं तो सैटर्न पर भी आड़ी रेखा है जो सिर्फ और सिर्फ मूड स्विंग और बार बार इमोशंस फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशंस को दर्शा रहा है। दैट्स इट। सूर्य के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर देता है। इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, फोकस में कमी होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना वैसे योग बनते हैं। तो फोकस भी आपका बढ़ जाएगा जस्ट सैटर्न और यानी सपोर्टिव हार्ट लाइन की रेमेडी के बाद में। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।